मानसून के दौरान देखा जाने वाला खूबसूरत नज़ारा जो शिमोगा के जो फॉल्स में देखा जा सकता है, वो शायद जब अच्छी बारिश होती है, जब भरपूर बारिश होती है, उस वक्त ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन इस नज़ारे को इस तरह से बनाए रखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आकर्षित करने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं टूरिज़्म मंत्री आरवी देशपांडे। देशपांडे साहब, ये बताइए कि बहुत खूबसूरत नज़ारा है लेकिन बारिश कम है, इसके बावजूद ये खूबसूरती यहाँ पर नज़र आ रही है, तो आपके मंत्रालय की तरफ से इसको बढ़ाए रखने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? आप कह रहे थे कि इसको पूरे साल भर इस तरह का नज़ारा बना रहे। देखो, हमने ये जो के लिए एक कॉम्प्रेंसिव यहाँ जो टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए और एक विश्व का एक बहुत बड़ा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंसल्टेंट को बनाने को बोला है। वो शायद अभी रेडी भी हुआ है लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि 12 महीने ये नज़ारा भी हो और जो पावर जनरेशन है उसको इफेक्ट भी नहीं हो, तो हम ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करना चाहते और यही पानी रिसाइकल करके इस तरह का नज़ारा 12 महीने दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये चार अलग टुकड़ियों में खूबसूरती के साथ यहाँ पर बह रहा है। कर्नाटक सरकार लोगों को इस मौसम में लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, हालांकि इस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मौजूद नहीं है, इसके बावजूद कर्नाटक सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस खूबसूरती का मज़ा लोग उठाएं, इस खूबसूरती का लुत्फ लोग उठाएं, तो इसकी वजह से सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस वाटरफॉल्स के आसपास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे ताकि लोग यहाँ पर इस खूबसूरती, इस कुदरत की खूबसूरती का भरपूर मज़ा उठा पाएं। आशा खानम, DD News, जोग फॉल्स।